This could be us. So back to what I was saying. This could be us. स्वागत है दोस्तों आपको मेरे YouTube चैनल DSZ में। आज मेरे पास है लाइव का LS5002 मोबाइल जिसपे मैं TWRP रिकवरी इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो चलिए कंप्यूटर की तरफ आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास LS5002 का TWRP उपलब्ध है। मैंने इसका बूट और रिकवरी जब फर्स्ट टाइम फ्लैश किया था तब का इसका बैकअप कर लिया है। तो सबसे पहले हमको TWRP इसमें फ्लैश करने के लिए मोबाइल को लेके जाना होगा फास्ट बूट मोड पे। तो फास्ट बूट मोड पे लेके जाने के लिए सबसे पहले वॉल्यूम अप एंड पावर बटन को एक साथ प्रेस कीजिए। उसके बाद आपका डिवाइस जो है स्टॉक रिकवरी मोड पर बूट हो जाएगा। तो स्टॉक रिकवरी मोड पर बूट होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बूट हो चुका है। तो उसे सिंपली प्रेस डाउन करके रिबूट टू बूट लोडर ऑप्शन पे लेके आना है। तो चलिए इसे लेके आते हैं। तो इस रिबूट टू बूट लोडर ऑप्शन पे आने के बाद आपको सिंपली पावर बटन को क्लिक कर देना है जिससे ये मोबाइल जो है फास्ट बूट मोड पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसे हम कनेक्ट करते हैं USB केबल से। तो USB केबल को कंप्यूटर पे कनेक्ट करने के बाद मोबाइल पे कनेक्ट कर दीजिए। अब आ जाते हैं दोस्तों कंप्यूटर की तरफ। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा USB केबल जो शो कर रहा है, मतलब मेरा मोबाइल जो है कनेक्ट हो चुका है। तो ध्यान रहे दोस्तों आपको ADB और फास्ट बूट ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए तभी ये कनेक्ट हो पाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे तीन फोल्डर है, मेरा बूट रिकवरी और लाइव का TWRP। तो बूट और रिकवरी मैंने पहले TWRP डाला था तब का इसका रूट के जरिए इसका बैकअप बना लिया था, लेकिन अब मैं इस पर फ्लैश मारने के बाद फिर से इस पर TWRP इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो चलिए कमांड मोड पर आ जाइए। कमांड मोड ओपन करने के लिए शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद राइट क्लिक कीजिए तो कमांड मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से टाइप कीजिए फास्ट बूट डिवाइसेस और इंटर प्रेस कर दीजिए। देख सकते हो यहाँ पे हमारा डिवाइस जो है शो कर रहा है, मतलब हमारा जो डिवाइस है पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हमको टाइप करना है फास्ट बूट बूट रिकवरी, ये सिर्फ बूट करने के लिए कमांड है। तो इसे कैंसिल कर देते दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसे फ्लैश कैसे करना है। तो चलिए टाइप कीजिए फास्ट बूट फ्लैश recovery.recovery.img। ध्यान रहे आपका TWRP रिकवरी को आपको रिनेम करके सिर्फ रिकवरी लिख के रखना है। उसके बाद इंटर प्रेस करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो रिकवरी है वो टारगेट हो रहा है और ये फ्लैश भी हो चुका है। देख सकते हो राइट रिकवरी ओके, टोटल 28 सेकंड लिया है। तो ये हमारा रिकवरी जो है हमारे मोबाइल पे फ्लैश हो चुका है। तो अगर आप अपने रिकवरी को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसे फ्लैश ना करें, आपको करना होगा फास्ट बूट बूट रिकवरी डॉट img करना है। तो इससे होगा क्या कि आपका रिकवरी जो है टेस्ट मोड पे आपके मोबाइल पे बूट करेगा, वो आपके मोबाइल पे फ्लैश नहीं होगा। इसका फ़ायदा यह है कि आप कभी भी इसको बूट करेंगे तो अगर आपका रिकवरी सही नहीं है तो आपके मोबाइल का डेड नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों मैं दिखा देता हूँ मेरा रिकवरी बूट हो रहा है। तो देख सकते हो मेरा TWRP रिकवरी जो है बूट हो चुका है कम्प्लीटली। तो इस तरीके का यूज़ करके आप अपने रिकवरी को टेस्ट कर सकते हैं और फ्लैश कर सकते हैं। तो जो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट जरूर करें। ये मेथड हर मोबाइल पे काम करेगा दोस्तों, चाहे वो माइक्रोमैक्स हो, कार्बन हो, स्पाइस हो, लाइफ हो। ये सिर्फ सैमसंग में काम नहीं करेगा, सैमसंग का मेथड जो है थोड़ा सा अलग होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।